Hello friends, today in this video I will explain you the chapter 2 Badal and Moti of class 3 English NCERT Santoor book. आइए इस chapter को समझते हैं. There was a boy called Badal. एक इस story में एक लड़का है जिसका नाम बादल है. He lived with his mother in a village. वो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था. And they were very happy. और वो दोनों बहुत खुश थे. One evening when Badal was returning from school, एक शाम जब बादल स्कूल से घर आ रहा था, he saw a puppy shivering in the cold. उसने एक पप्पी को देखा. पप्पी कौन होता है? डॉग का बच्चा. Shivering, shivering माने ठंड में कांप रहा था. Shivering in the cold. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बादल है और इसके हाथ में पप्पी है. ये बादल ब्रॉट हिम होम. कैन दिस पप्पी स्टे विद अस? माँ बादल उस पप्पी को अपने साथ घर पे लेके आता है. कैन दिस पप्पी स्टे विद अस? माँ वो अपनी माँ से पूछता है, क्या ये पप्पी हमारे साथ रह सकता है? आस्क बादल, बादल ने पूछा. यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पप्पी. रह सकता है, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पप्पी. जब तुम इसकी अच्छे से केयर करोगे तो मैं ये प्रॉमिस करना होगा मुझसे. सेड हिज मदर विद ए स्माइल. उसकी माँ बादल से ये मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तुम इसको रख सकते हो, मगर इसके लिए तुम्हें इसकी केयर करनी पड़ेगी. बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी मोती. बादल और उसकी माँ उस पप्पी का नाम मोती रख देती हैं. एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन जाते हैं, मोती ग्रीव अप एंड लव्ड बादल. मोती जैसे जैसे बड़ा होता है और वो बादल से प्यार करने लगता है. दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स. और वो दोनों एक बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं. दे एट एंड प्लेड टुगेदर. वो साथ खाते थे और साथ ही खेलते थे. मोती फॉलोड बादल वेर एवर ही वेंट. मोती उसको हमेशा फॉलो करता था जहाँ भी बादल जाता था. दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर. और वो अपने पसंदीदा गेम एक साथ खेलते थे. आप देख भी सकते हैं, ये रहा बादल और ये पप्पी है जिसका नाम मोती रख दिया है. वन रेनी डे वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम स्कूल, ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन एंड फेल इन टू अ डीप पिट. वन रेनी डे, एक बार जब बारिश का दिन था, जब बादल स्कूल से घर आ रहा था, वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, He slipped into the muddy lane. और वो क्या होता है, एक muddy lane में, जहाँ आप ये देख सकते हैं, इसमें फिसल के इसके अंदर गिर जाता है. And fell into a deep pit. इस गड्ढे के अंदर गिर जाता है. He tried hard, but could not come out of the pit. और वो काफ़ी कोशिश करता है मगर उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता है. बादल्स मदर वॉज वरिड. और बादल की जो मम्मी थी वो परेशान हो रही थी, चिंतित हो रही थी. He did not come home in time. और वो क्योंकि स्कूल से टाइम से घर नहीं आया था. मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट. और मोती जो उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था पप्पी, वो भी उसका बादल का वेट कर रहा था. बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम. और बादल की मम्मी जो आसपास के नेबर थे, पड़ोसी थे, उनको इकट्ठा करती है और उनसे मदद मांगती हैं बादल को ढूंढने के लिए. मोती टू अकम्पनीड देम. और मोती भी उनके साथ जाता है. मोती कॉट बादल सेंट. और मोती जो था उसको वो पहचानता था, बादल की खुशबू. ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट. और वो उसी खुशबू को पीछा करते हुए एक गड्ढे के पास पहुंच जाता है. एंड स्टार्टेड बार्किंग. और वहां जाके भौंकने लगता है. दिस अलर्ट द नेबर्स. और ये नेबर्स को अलर्ट कर देते हैं, जो पड़ोसी थे उनको अलर्ट करता है. हु वर सर्चिंग फॉर बादल, जो कि बादल को ढूंढ रहे थे. दे यूज अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट. और वो लोग बादल को उस गड्ढे में से एक रोप की मदद से बाहर निकालते हैं. एवरी वन वॉज रिलीव्ड. और सभी अब खुश थे. बादल हग्ड एंड थैंक्स मोती. अब बादल क्या करता है, मोती को हग कर लेता है और थैंक यू बोलता है. इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.
thank you for watching this.